हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ये कैसे पता कर सकते हो कि आपके जिले में कौन कौन से मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेज है। ठीक है, देखो आप मन बना रहे हो बीएड करने का, तो मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जिले के अंदर कौन कौन से बीएड कॉलेज है और वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, ये भी आपको चेक करना जरूरी होता है। ठीक है, एनसीटीई इंस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसके माध्यम से जितने भी एजुकेशनल जो कोर्स होते हैं, जैसे बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, ये सारे कोर्सेस इनके द्वारा ऑफर किए जाते हैं और इनकी मान्यता जो है वो इनके द्वारा अप्रूव्ड की जाती है। ठीक है, एनसीटीई के द्वारा, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा। तो मेरे भाई, जो कॉलेजेस एनसीटीई के माध्यम से अप्रूव्ड हैं वही आपका जेन्युइन कॉलेज है। ठीक है, बाकी जितने भी कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे फर्जी होते हैं। ठीक है, तो भाई ऐसे फर्जी कॉलेज से आपको बचना है और अपने पैसे को भी बचाना है। ठीक है, नहीं तो फर्जी डिग्री मिलेगा और कोई फायदा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने जिले में चेक करने के लिए आपको अपने फोन के अंदर गूगल या क्रोम ब्राउजर को खोलना है। यहाँ पे आकर के आपको टाइप करना है एनसीटीई। ठीक है, क्या टाइप करोगे आप, तो एनसीटीई टाइप करोगे, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो आप एनसीटीई, ये आप टाइप करके सर्च करोगे। जैसे ही आप सर्च करोगे मेरे भाई, जो पहला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा एनसीटीई का, वो आप देख सकते हो nctee.gov.in। ठीक है, nctee.gov.in आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे मेरे भाई, इसके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, इसमें से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा थ्री लाइंस का। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे थ्री लाइंस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो मेरे भाई, एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है रीजनल ऑफिस का। ठीक है, आप रीजनल ऑफिस के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे। जैसे ही रीजनल ऑफिस के ऊपर क्लिक करिएगा, यहाँ पे चार आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा, एक आपका ईस्टर्न रीजनल ऑफिस, फिर आपका वेस्टर्न और नॉर्दर्न, फिर आपको नीचे में सदर्न रीजनल ऑफिस भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो मेरे भाई, यदि आप जो भी ईस्टर्न राज्य से आते हो, जैसे कि मेनली आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट होंगे हो गए, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उसके बाद अपना झारखंड हो गया, तो ये राज्य से आप आते हो ना, तो मेरे भाई आप ईस्टर्न रीजन सेलेक्ट करना। ठीक है, वहीं आप वेस्टर्न वाले राज्य से आते हो तो वेस्टर्न रीजन सेलेक्ट करना, वहीं आप जो नॉर्दर्न रीजन आता है जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जेएनके, ये सारा राज्य आता है, अगर इन क्षेत्र से आते हो तो आप नॉर्दर्न सेलेक्ट करोगे। ठीक है, या फिर आप दक्षिण भारतीय राज्य से आते हो तो फिर नीचे में जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सदर्न, वो आपको सदर्न यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो इन बातों को सबसे पहले आप ध्यान रख लेना। और फिर देखो यहाँ पे मैं जो है वो ईस्टर्न रीजन से आता हूँ, तो मैं यहाँ पे ईस्टर्न रीजन वाला जो ऑप्शन है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ईस्टर्न रीजन वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे ईस्टर्न रीजन के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी जिले हैं, वो सारा देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के क्रम में मेरे भाई यहाँ पे देखो कई सारे आपको ऑप्शंस फिर से देखने को मिल रहा है, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखने को मिल रहा होगा आपको यहाँ पे बीएड का। ठीक है, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, बीएड का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे देखो आप बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री आपको बीएड के ऊपर क्लिक कर देना है। बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री के ऊपर आप क्लिक कर दोगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे मेरे भाई, फिर से एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और देखो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि आप अपना जो रीजन को सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा कि आप कौन से राज्य से आते हो। तो मैं यहाँ पे चूंकि झारखंड राज्य से हूँ तो मैं झारखंड यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, जो भी आप राज्य से होंगे वो अपना राज्य आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद देखो जैसे ही राज्य को आप सेलेक्ट करोगे मेरे भाई, यहाँ पे फिर देखो सर्च करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। बीएड देखो आपका ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड रहेगा। ठीक है, आप फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपको जिला चुनने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको चूंकि मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप अपने जिले का बीएड कॉलेज को पता कर सकते हो, तो मेरे भाई जो भी आपका जिला होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मैं एक जिला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, फिर देखो जिला जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे फिर सर्च वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है।
जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, जितने भी आपके जिले के अंदर बीएड कॉलेजेस होंगे वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे, ये सारे कॉलेजेस आपको बीएड वाले मिल जाएंगे, ठीक है। और कौन से प्राइवेट हैं, कौन से सरकारी है, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे एक कॉलेज यहाँ पे देख लो, इसका कोड देखने को मिल जाएगा, कॉलेज का नाम मिल जाएगा, प्राइवेट है ये मिल जाएगा, और कौन से यूनिवर्सिटी से ये रजिस्टर्ड है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई आप अपने बीएड कॉलेज को सर्च कर सकते हो, जो भी आपके ज़िले में बीएड कॉलेजेस होंगे वो सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइवेट है, सरकारी है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। कौन से यूनिवर्सिटी से अथवा कौन से बोर्ड से मान्यता प्राप्त है ये भी आपको देखने को मिलेगा। एनसीटी से ये सारे जो कॉलेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं ये अप्रूव्ड हैं, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से सारे के सारे अप्रूव्ड हैं। तो आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।